नगरपालिका के चुनाव का विषय निसंदेह हमारे जौनपुर के सभी नेता चिंतित हैं और मजबूती के साथ जौनपुर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी नगरपालिका और नगर पंचायतों के, और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक हमारी सीटें जीती जाएंगी। तमाम जो है वर्तमान चेहरों टिकट कट रहे हैं क्या ऐसा? ये तो प्रक्रिया है, टिकट कटना तमाम आरक्षण में आ जाते हैं, वैसे बदल जाएंगे। तो कोई पार्टी का काम नहीं कि किसी का टिकट काटेगी, किसी का वो करेगी, वो तो चयन होता है, हमारी चयन समिति चयन करेगी। जो पार्टी का कार्यकर्ता उचित कार्यकर्ता होगा, जो जिताऊ कार्यकर्ता होगा, उसके तमाम मानक हैं और जो फुलफिल करेगा उसको टिकट मिलेगा। जौनपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह ने बीजेपी सरकार की गिनाया उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए जीत का दिया मंत्र। कहा कि निकाय चुनाव में कमल खिलाने के लिए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देकर मैदान में उतारेगी। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। आज हम लोग ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के समारोह में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। नगर पालिका के चुनाव का विषय निसंदेह हमारे जौनपुर के सभी नेता चिंतित हैं और मजबूती के साथ जौनपुर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी नगरपालिका और नगर पंचायतों के, और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक हमारी सीटें जीती जाएंगी। चर्चा तमाम जो है वर्तमान चेहरों टिकट कट रहे हैं क्या ऐसा? ये तो प्रक्रिया है, टिकट कटना तमाम आरक्षण में आ जाते हैं, वैसे बदल जाएंगे। तो कोई पार्टी का काम नहीं कि किसी का टिकट काटेगी, किसी का वो करेगी, वो तो चयन होता है, हमारी चयन समिति चयन करेगी। जो पार्टी का कार्यकर्ता उचित कार्यकर्ता होगा, जो जिताऊ कार्यकर्ता होगा, उसके तमाम मानक हैं और जो फुलफिल करेगा उसको टिकट मिलेगा। हमारा किसी से नहीं है, पूरे देश में किसी से नहीं, तो जौनपुर में कैसे किससे हो जाएगा? लोगों का वोट लिया, पिछड़ों का वोट लिया, दलित का वोट लिया, राज किया, लेकिन क्या ऐसे भाव जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में भाव हैं, ऐसे भाव शायद किसी राजनेता में नहीं है। इसी कारण आज वो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इस देश को और देशवासियों को ऊंचाइयां देने के लिए जो त्याग और बलिदान, जो संघर्ष उन्होंने किया है, वो हमारा देश हमेशा याद रखेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा वातावरण दिया, पहले लोग अन्याय करते थे, जुल्म करते थे कमजोर लोगों पर, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की कमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई है, तब से आप स्वतः महसूस करते होंगे, गरीब का सम्मान हो, बहन का सम्मान हो, कमजोरों का सम्मान हो, सबका सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षित है। और जिसकी भी नजर अन्याय करने के लिए उठी है, तो निसंदेह मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको संविधानोचित दंडित जरूर किया है। और जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में संभाले हैं, तब से एक नई शक्ति के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश विकास हो रहा है।